कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है, लेकिन यही कहावत इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति पर भी लागू होती दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पर इन दिनों अजीत पवार, जो कि राज्य की महायुति सरकार में शामिल हैं, एक घटक दल है उनकी पार्टी, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मामला यूं है कि बीते सोमवार को महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में, मालवण नाम की जगह है, वहाँ एक किले के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन वो मूर्ति अचानक गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद से महाराष्ट्र में एक सियासी बवाल खड़ा हो गया है। ना केवल विपक्षी पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ सत्ताधारी पार्टियों में से एक अजीत पवार की एनसीपी भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो एक अलग किस्म की राजनीति है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े, एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ हैं ये। रौनक, ये बताइए कि अजीत पवार की ऐसे क्या मजबूरी हो गई कि उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो तो खुद सत्ता में है। जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि चुनाव के पहले सब कुछ वोट बैंक को देखते हुए कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि सवाल वोटों का है। तो अजीत पवार का इन दिनों महाराष्ट्र का दौरा भी चल रहा है, और जिस इलाके से उनका दौरा होते हुए गुजर रहा है वो मराठा बहुल इलाका माना जाता है। तो मुख्य तौर पर कल तक ठीक था, जब अजीत पवार ने इस पूरे वाकया में, जिसका जिक्र आपने किया कि मालवण के उस किले में जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पहले भव्य प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो बीते सोमवार को क्षतिग्रस्त हो गई। जो सरकार की तरफ से दावा किया गया कि वहां पर तेज़ हवाओं के थपेड़े की वजह से ये हालत जो है वो हुई है। अजीत पवार ने कल इसको लेकर खुद से माफ़ी मांग ली जनता की, क्योंकि वो ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जहाँ पर मराठा सेंटीमेंट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और अजीत पवार को मराठा वोट की ज़रूरत भी है। एनसीपी पार्टी एक मराठा पार्टी जो है वो मानी जाती है। हमें याद है कि महाराष्ट्र में शरद पवार को मराठा स्ट्रांग मैन के तौर पर भी कहा जाता रहा है। तो यही वजह है कि उनकी जो पार्टी का कैडर है वो थोड़ा मराठा सेंट्रिक है। तो अगर इस तरह की घटना हुई है, सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष जो है वो हमला बोल रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो राज्य सरकार का नहीं था, ये नौसेना की तरफ से बनाई गई प्रतिमा थी, जिसका टेंडर भी नौसेना की तरफ से दिया गया था। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पर सीधे तौर पर कटघरे में खड़े करना ठीक नहीं है, पर अजीत पवार ने खुद होकर माफ़ी मांगी। लेकिन आज जब पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ भी एनसीपी, अजीत पवार की पार्टी, अगर मैदान में उतरकर आंदोलन कर रही है, मुख्य आंदोलन कर रही है, तो सवाल है कि वो क्या अपनी सरकार को घेरना चाहती है, और क्या अजीत पवार केवल वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं? अगर वो ऐसा कर रहे तो वो सरकार से बाहर क्यों नहीं जा रहे? सवाल है कि इस तरह की राजनीति हमने इसके पहले भी देखी। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में ये कोई ट्रेंड नया नहीं है। बिल्कुल, 2014 से लेकर के 2019 तक, जब शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार थी, शिवसेना से मतलब है अविभाजित शिवसेना, तब शिवसेना एक ही थी, ये दोनों पार्टियां साथ में सत्ता में तो थी, लेकिन शिवसेना एक तरह से विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रही थी, मतलब सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष के जैसा बर्ताव कर रही थी। और ये इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार जो है सरकार को निशाने पर लेते थे, सरकार के खिलाफ बयान देते थे, जो सामना में संपादकीय छपते थे उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी पर भी अक्सर टिप्पणी की जाती थी, देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा जाता था। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका सिलसिला साल 2017 में जब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए, उसके बाद से इसका ट्रेंड जो है वो देखने को मिला। हमने देखा कि दिवाकर रावते, जो शिवसेना में उस वक्त देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, रामदास कदम जैसे नेता, मुख्यमंत्री के घर पर अहम बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट के नेताओं की बैठक बुलाई गई है, और इस दौरान वो पत्रकारों को एक चिट्ठी दिखाकर कहते हैं कि आप मेरे जेब में जो है वो इस्तीफा है। तो ये अपनी सरकार के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी कर सरकार को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश, हालांकि ये फॉर्मूला उद्धव ठाकरे के बहुत काम आ गया। उद्धव ठाकरे ने इसके जरिए अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। जो मुंबई सेंट्रिक वो राजनीति करते हैं, जो मराठी मानुस वाली वो राजनीति करते हैं, उसकी वजह से उनका वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। अब जब ये पार्ट टू, इसको कह सकते हैं कि अजीत पवार सरकार में है, सरकार का विरोध कर रहे हैं, वफ बोर्ड का लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार आई, जो वफ बोर्ड का बिल लोकसभा में सरकार की तरफ से टेबल किया गया, उसको लेकर भी अजीत पवार की पार्टी ने अपना एक अलग रुख अपनाया है। तो सवाल ये है कि क्या मुस्लिम
वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनके हाथ से वो खिसक गया है। और एनसीपी का भी पारंपरिक, कांग्रेस की तरह ही एनसीपी का भी पारंपरिक वोट बैंक मुसलमानों का रहा है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि एनसीपी और शरद पवार ने जिस तरह की इमेज महाराष्ट्र में बनाई, एक सेकुलरवादी पार्टी, एक सेकुलरवादी नेता की, हालांकि निश्चित तौर पर वो थोड़ा मराठा, उनकी अगर पार्टी की संरचना देखें तो अधिकतर जो विधायक है या फिर मंत्रियों की संख्या अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मराठा ही उनके मंत्री होते हैं। बहुत कम ही, इक्का दुक्का ही मुस्लिम समुदाय से कोई मंत्री जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन शरद पवार की पॉलिटिक्स रही है कि वो सेकुलरवादी इमेज के साथ हमेशा गए हैं, तो अजीत पवार को लगता है कि इसी इमेज को अगर डेंट कर दिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका नुकसान हो सकता है। और ये विधानसभा चुनाव अजीत पवार और उनके करियर, उनकी पार्टी के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण का, ऐसे वक्त जब लोकसभा चुनाव में शरद पवार का स्ट्राइक रेट इतना ज़बरदस्त रहा कि 10 सीटें लड़ी और 8 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। बिल्कुल, तो रौनक ने देखिए हमें समझाया कि किस तरह से महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन का एक घटक दल विपक्ष की तरह क्यों बर्ताव कर रहा है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप भी अपनी नज़र बनाए रखें NDTV इंडिया पर। नमस्कार।